नमस्कार, वेलकम, अभिनंदन। एस्ट्रो योगी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। जाने आज बिजनेस में कैसा रहने वाला है आपका दिन, हेल्थ के लिहाज से आज कैसा रहेगा दिन, नौकरी और करियर में कैसा बीतेगा आपका आज का दिन, रोमांस के मामले में क्या कहते हैं आपके सितारे। इस तरह के हर सवाल के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अब जानते हैं 26 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार आज का पंचांग। विक्रम संवत 2081 हिंदू पंचांग के अनुसार मास वैशाख है, पक्ष कृष्ण पक्ष है और ऋतु वसंत ऋतु है। आज द्वितीय तिथि सुबह 7:45 तक रहेगी, इसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज अनुराधा नक्षत्र रात 3:30 तक रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग वरियान योग सुबह 4:20 तक रहेगा, इसके बाद पारिग योग लग जाएगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, इस समय सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 5:45 पर होगा, आज चंद्रोदय रात 9:21 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से शुरू होकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। आज राहु काल सुबह 10:40 से शुरू होकर दोपहर 12:19 तक रहेगा। अब जानते हैं 26 अप्रैल 2024 का राशिफल। पहली राशि मेष राशि। प्रिय मेष राशि के जातक, आप में से कुछ जीवन के लिए आध्यात्मिक स्पष्टीकरण की तलाश में हो सकते हैं। आप ठीक उसी तरह से इंगित कर पाएंगे जहां चीजें गलत हो रही हैं और कुछ आत्मा की खोज करके उन्हें कैसे सुधारना है। जैसे जैसे चंद्रमा मिथुन में जाता है, अपने आंतरिक स्व के साथ जांच करना एक अच्छा विचार है। यदि आप अपने साथ शांति से हैं तो चीजें कुछ ही समय में देखना शुरू कर देंगी। एक करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ एक खुली और ईमानदार बातचीत आपको अपने दिमाग को साफ करने और समाधान के साथ आने में मदद कर सकती है। अगर आप पार्टनर की खोज में हैं तो आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी अपेक्षाओं में अपने पार्टनर की योग्यता के मामले में थोड़ी ढिलाई देने की सोचें तो आज आपको वैसे पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। आप ये मत सोचें कि आपकी अपेक्षा पर आपका पार्टनर पूरी तरह खरा उतरेगा, क्योंकि उससे आप ऐसे पार्टनर से मिलने का मौका खो सकते हैं जो आपको खुश रखेगा। अपनी व्यवसायिक सीमा को बढ़ाने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। ये वो दिन है जबकि आपके कदम धरती पर नहीं टिकेंगे। इस समय आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आपका रुझान अपनी व्यवसायिक और सामाजिक योग्यताओं को बढ़ाने में रहेगा। समय निकालकर अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानें। इसकी कोशिश करें कि आप अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं। देखना, आज किए गए सुधार लंबे समय के लिए आपको लाभ जरूर देंगे। आज साझेदारी का अच्छा फायदा मिलने वाला है, इसलिए अगर आप कोई साझेदारी करने की सोच रहे हैं तो आज उसे करने का बढ़िया दिन है। अगर आपके सामने अच्छी अवधि के लिए भी कोई प्रस्ताव आता है तो भी आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। आप पाएंगे कि व्यापार में अकेले चलने से कहीं बेहतर है कि दो लोगों को मिलकर चलना चाहिए। आज आप खुद को और परिवार वालों को सुरक्षित खाना खिलाकर छोटी छोटी बीमारियों को बचा सकते हैं। कोशिश करें कि भीड़ वाली जगहों से दूर रहें। रंग लाल आज आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। शाम 5:30 से 6:30 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। धन्यवाद। अब जानते हैं वृषभ राशि का आज का राशिफल। प्रिय वृषभ राशि के जातक, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप असाधारण हैं। पेशेवर मोर्चे पर जिम्मेदारियां बढ़ने की संभावना है। आप किसी कारण से थोड़ा भ्रमित महसूस कर सकते हैं। आज कोई भी चुनौती स्वीकार करें, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। लव लाइफ के मामले में क्या आप हैरान हैं कि आपके सपनों का पार्टनर कहां छिप गया है? आज निश्चिंत रहें, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी शैक्षणिक संस्था या कॉर्पोरेट माहौल में काम कर रहे हैं तो आज आपको कोई विशेष अचंभा मिल सकता है। करियर के मामले में आज आप काम और एंजॉयमेंट दोनों ही कर पाएंगे। अपनी विभिन्न रुचियों को जानें और सोचें कि आप उन्हें काम के साथ कैसे मिला सकते हैं। अगर बात की जाए आपकी आर्थिक स्थिति की तो सोच समझकर किए गए निवेश से आज बड़ा फायदा मिलेगा। आगे कोई निवेश करने जा रहे हैं तो दोस्तों से इस संबंध में सलाह ले सकते हैं, वे आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। उनकी बात मानिए फिर निवेश कीजिए, आगे चलकर आपको उसका अच्छा लाभ दिखेगा। एक कोशिश करके देखिए। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि आपके बीमार पड़ने पर
आपके दोस्त और परिवार वाले हमेशा आपको सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए कोई भी परेशानी आने पर आप घबराएं नहीं और बेहिचक अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को अपने पास बुला लें। आपको सहायता देने की अब उनकी बारी है, क्योंकि अब आपको उनके सहारे की जरूरत है। सफेद आज आपका लकी कलर रहेगा। शाम 6 से 8 का समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो प्रिय मिथुन राशि के जातक, चंद्रमा के वृश्चिक में प्रवेश करते ही आपके कुछ परिवार वाले और दोस्त सुर्खियों में बने रह सकते हैं। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों को लगता है कि आज आपको अपने आसपास के उन लोगों को समय देना चाहिए जो आपके साथ रहना चाहते हैं। काम की वजह से पिछले कुछ दिनों से आप बहुत व्यस्त हो रखे हैं, अब जब आपके पास समय है तो क्यों ना केवल प्रियजनों की संगति में आराम करें। दिन के अंत में आपको खुशी होगी कि आप दोस्तों और परिवार के साथ कुछ बहुत बेहतर समय बिता पाए। लव लाइफ के मामले में अपने पार्टनर की योग्यता को लेकर आज आप थोड़ा असंतुष्ट होंगे। आपको अपनी अपेक्षा में बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी यथार्थवादी बने। करियर की बात की जाए तो आज आप अपने निश्चित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप अपने काम की रूपरेखा को सुधारना या बदलना चाहते हैं तो अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत करते रहें, इससे आपको जल्दी सफलता मिलेगी। याद रखें कि हर सफर पहले कदम से ही शुरू होता है। पैसे की भरपूर आवक दिख रही है। बहुत पहले आपने कोई निवेश कर रखा था, उससे आज बड़ा लाभ मिलने वाला है। यह अचानक ही होगा, आप खुशी से उछल पड़ेंगे। आज आप अपने परिवार वालों की अच्छी सेहत के लिए जांच कराएं, भले ही वे ठीक क्यों ना हो। आज वे दर्द या किसी बीमारी से परेशान हो सकते हैं, आज उन्हें टहलने और ताजी हवा खाने के लिए बाहर जरूर ले जाएं। आज के दिन आपका शुभ समय शाम 6:35 से 7:45 तक का रहेगा। शुभ रंग सफेद रहेगा। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है कर्क राशि का आज का राशिफल। तो प्रिय कर्क राशि के जातक, वृश्चिक राशि में चंद्रमा की उपस्थिति संकेत करती है कि आज का दिन आपके लिए अपने लिए बड़े सपने देखने के लिए अच्छा है। आप वास्तव में अपने जीवन से क्या चाहते हैं? एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों की सलाह है कि आज उन सभी महान सपनों की सूची पर काम करना शुरू करने का सबसे अच्छा दिन है, जिन्हें आप सच करना चाहते थे। आपकी आज की मेहनत सार्थक होगी और आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगी, इसलिए उन्हें हासिल करने के लिए कदम उठाना शुरू करें। लव लाइफ के मामले में आज आप अपने रोमांस जीवन में महसूस करेंगे कि पार्टनर की खोज के मामले में पूर्णता की अपेक्षा के बजाय यथार्थवादी होकर यथासंभव अच्छे पार्टनर की खोज की जाए। पार्टनर से अगर कोई गलती होती है तो धीरज रखें, आपने भी कई दफा कोई ना कोई गलतियां की होंगी। पार्टनर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो आपको प्यार करता है। करियर के मामले में आज कार्यालय में दिन अच्छा रहेगा। कार्यालय में आज लिए गए फैसलों का परिणाम जल्दी दिखेगा, इसलिए आप सोच समझकर ही कोई फैसला लें। आपके पास अपने काम को सही तरह से आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान और योग्यता दोनों ही हैं, इसलिए फैसला लेते समय आत्मविश्वास बनाए रखें। आज किए गए काम शायद जल्द ही आपको अच्छे परिणाम देंगे। आज आप किसी ऐसी वित्तीय योजना के झांसे में मत फंस जाइएगा जो बाहर से दिखने में तो बहुत आकर्षक लगे लेकिन उससे उतना फायदा नहीं हो। झटपट अमीर होने वाली ऐसी योजनाओं से बचकर ही रहें, क्योंकि अंततः इससे आपका नुकसान ही होने वाला है, इसलिए ख्वाबों की दुनिया में नहीं बल्कि हकीकत की जमीन पर रहिए। हेल्थ की अगर बात की जाए तो आज आप अपने परिवार वालों के साथ सेहत की जाँच के लिए जाएं। ध्यान रहे, दांतों की जाँच जरूर कराएं और पाचन क्रिया भी ठीक चले उसके लिए भी आप अपने लिए डाइट प्लान बनाएं। आज के लिए आपका शुभ समय दोपहर 3:45 से शाम 5:15 तक का रहेगा। शुभ रंग लैवेंडर रहेगा। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। प्रिय सिंह राशि के जातक, आज के दिन आपके लिए ये विचार करने का दिन है कि आप अपनी जिंदगी से चाहते क्या हैं और उसे कैसे हासिल करेंगे। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी आपको ये सुझाव देना चाहते हैं कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा की उपस्थिति होने के कारण यह आपके लंबे समय के जीवन के लक्ष्यों की योजना बनाने के लिए आदर्श अवधि प्रदान करेगा और अपने लक्ष्यों को समझने के लिए उनका क्रियान्वयन कीजिए। अपना कार्य कल के ऊपर ना डालें बल्कि आज ही शुरुआत करें। आज आपका कार्य और आपका व्यक्तिगत जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है।
आप अपने कार्य के प्रति सजग रहेंगे और अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। आज आप यही सोचते रहेंगे कि लव लाइफ के मामले में आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए। आपका दिमाग इसी चीज को लेकर चक्कर काटता रहेगा कि वो कहां मिलेगा। ये विचार अच्छे हैं, पर इसे जिद का रूप ना दें। इतने आदर्शवादी बनने के बजाय जमीन से जुड़ें और अपने पार्टनर की खोज यथार्थ में आकर करें। करियर के मामले में आज आपको कोई बढ़िया विचार सूझ सकता है जो कि भविष्य में आपको धन लाभ दिलाएगा। अपने विचारों में रचनात्मकता लाएं और न जाने आपका कौन सा विचार आपके काम आ जाए। सोच समझकर ही कोई योजना बनाएं और उस पर आज ही काम शुरू कर दें। इससे लंबे समय तक आपको लाभ मिलेगा। अगर आप व्यापार में हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं और कोई आर्थिक समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। आपके लिए व्यापार और करियर के कुछ अच्छे विकल्प खुल रहे हैं, इसलिए आप कुछ नए आइडिया और संपर्क ढूंढने शुरू कर दीजिए। जिन्हें आप प्यार करते हैं, आज आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। उनकी सेहत अच्छी रहेगी मगर उन्हें जांच की आवश्यकता भी है। आज आपको हर समय उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा और समय निकालकर उनकी हिम्मत बढ़ानी होगी। दोपहर 3:45 से शाम 5:15 तक का समय आपके लिए शुभ रहेगा। आज के लिए आपका भाग्यशाली रंग लैवेंडर रहेगा। धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें आज। इससे आपको लोगों के दिलों में जगह मिलेगी। यह आपकी उपस्थिति को एक अलग आभा देगा और आपको अपने आसपास के लोगों से जुड़ने की अनुमति देगा। अपने आसपास के लोगों के प्रति उदार रहें और अच्छा काम करते रहें। आज आप थोड़ा निराश और उदास अनुभव करेंगे क्योंकि आपने जिसे दिल दिया उसने उसका अनुकूल उत्तर नहीं दिया। आपको उसने मना नहीं किया, पर जिस गर्मजोशी और उमंग और जल्दबाजी की आपको उससे आस थी वो नहीं मिली। धीरज रखें और अपने जज्बातों पर लगाम लगाएं, सफलता मिलेगी। करियर के मामले में आज आप अपने काम को लेकर खुश रहेंगे। आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। जिन कर्मचारियों को उत्पादन बोनस मिलता है वो आज किसी इनाम की उम्मीद कर सकते हैं। आपकी मेहनत को देखा जा रहा है, इससे आपको आज धन लाभ हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाभ मिलते ही आप आलसी हो जाएं। ध्यान रहे कि आपके प्रयासों के लाभ उड़न छू भी हो सकते हैं। आज आप पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए खूब खर्च करेंगे और इससे लोगों में आपकी साख भी बढ़ेगी। बहुत दिनों से आप अपनी छवि को लेकर चिंतित थे। आपको मलाल था कि इतना सब कुछ होते हुए भी लोगों में आपका प्रभाव कायम नहीं हो रहा था, सो आपने ये ठीक ही कदम उठाया है। अब तो सब आपके कायल होंगे। बस ध्यान रखिएगा कि उन्हीं लोगों पर पैसा खर्च कीजिए जो आगे आपके काम आए। हेल्थ के मामले में आज आपको अपने प्रिय लोगों का ख्याल रखना होगा। आपको अपने जो करीबी लोग हैं उनका आज ध्यान रखना होगा। आज के दिन लापरवाही ना करें। दोपहर 3:45 से शाम 5:45 का समय भाग्यशाली रहेगा। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों के अनुसार आज के लिए आपका शुभ रंग गुलाबी रहेगा। धन्यवाद। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। प्रिय तुला राशि के जातक, वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर आपको विचलित कर सकता है। आपको अपने जीवन में लिए गए कई फैसलों पर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। आज आप अपने लिए कुछ आवश्यक समय समर्पित करने और अपने विचारों के हिसाब से काम करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आप काम से छुट्टी लेने का फैसला भी कर सकते हैं। अपने दिमाग से काम करें। आज का दिन आपके लिए फलदायी रहेगा और ये आपके करियर के साथ साथ निजी जीवन के लिए भी फायदेमंद होगा। लव लाइफ के मामले में आज आपको लगेगा कि प्यार मिलते वक्त सितारे आपके पैर पीछे खींच रहे हैं। आप आज अपने सही पार्टनर से मिल तो जाएंगे पर डेटिंग की बात नहीं बन पाएगी। चिंता ना करें, आगे जल्दी सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र के मामले में आज जब आप अपने ही क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञों से मिलेंगे तो आप करियर में आगे बढ़ जाएंगे। आप उनके ज्ञान और अनुभव का प्रयोग अपने किसी काम को आगे बढ़ाने में करेंगे। इन लोगों से मदद मांगने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। इनको भी आपकी मदद करने में खुशी होगी। व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है और लाभ देखकर आप खुश हो जाएंगे। व्यापार से आपकी आर्थिक स्थिति खूब मजबूत हो रही है। ये आपके लिए खुशी की बात है। हालांकि ये आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि आप तरक्की की ओर
जा रहे हैं। आज आपको अपने परिवार वालों की सेहत के प्रति सावधानी बरतनी होगी। चिंता की कोई बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखें कि आप उन्हें सालाना जांच के लिए लेकर जाएं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। नीला रंग आज आपका लकी कलर रहेगा। शुक्रिया। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज का दिन ये समझने का है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ अनुचित व्यवहार ना करें। अपना ध्यान उन जिम्मेदारियों और कर्तव्यों पर रखें जिन्हें करने की जरूरत है। आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप दूसरों के रवैये और व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। रोमांस की दुनिया में आज आपको ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए जो आपको लगे कि आपका पैर जबरन खींच रहा है। ये परी की कहानियों में तो अच्छा लगता है, पर यथार्थ में आपको जमीन पर गिरा सकता है। करियर के मामले में काम और मौज मस्ती दोनों एक साथ, ये आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा आज। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा से ही अपने काम और रुचियों को एक साथ मिलाना चाहते हैं, तो आज इससे संबंधित कोई व्यवसायिक अवसर मिल सकता है। अपनी आंखें खुली रखें क्योंकि ये अवसर कहीं से भी आ सकता है। अगर आप आज किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जा रहे हैं, तो पाएंगे कि यहाँ आना आपके करियर के लिए बड़ा फायदेमंद रहा। लोगों को अपने बारे में बताइए। आप पाएंगे कि कई बड़े काम के लोगों से आपका संपर्क बना, और फिर आगे इसका फायदा ये कि आपका व्यापार बढ़ेगा। और ये सब हुआ लोगों से आपका व्यापार संपर्क बढ़ाने की वजह से। आज आपको सुरक्षित खाना खाना चाहिए और आपको जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। पाचन क्रिया का आज खास ख्याल रखें। ध्यान रहे आप ज्यादा तापमान और ज्यादा भीड़ वाली जगह ना जाएं। आज के दिन निवेश संबंधी अगर कोई फैसले लेने हैं, तो वो दोपहर 2 से शाम 4 के बीच में लें। आपके लिए आज लकी कलर ग्रीन रहेगा। धन्यवाद। अगली राशि है धनु राशि। तो प्रिय धनु राशि के जातक, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपको ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति में शामिल होने से बचना चाहिए जो आपके नियंत्रण से बाहर हो। आप बहुत ज्यादा पर्सनल ना हो, इससे चीजें खराब हो सकती हैं। यदि हम आपके कार्यों की बात करें, तो रास्ते में कुछ संघर्षों के बाद वे निश्चित रूप से पूरे होंगे। आपको धैर्य रखना होगा और कुछ समय के लिए साहसी बने रहना होगा। आज किसी नए रिश्ते को शुरू करने से पहले अच्छी तरह उसे परख लें। इस रिश्ते की सफलता के लिए तर्कसंगत बुद्धि का इस्तेमाल करें और बिना सोचे समझे हवा में ना बहें। आपके लिए रिश्ता अच्छा साबित हो सकता है अगर आप इसके प्रति आश्वस्त हों। आज आपको अपने पार्टनर के चुनाव के वक्त यथार्थवादी और तर्कसंगत होना जरूरी है। कार्य क्षेत्र में आप पूरा प्रयास करेंगे कि आपके कार्यालय में सब ठीक ठाक चलता रहे। अपने सहकर्मियों और कर्मचारियों को उत्साहित करने के तरीके ढूंढें। आपको थोड़ा रचनात्मक होना होगा क्योंकि कार्यालय के लोगों में थोड़ा आलसीपन आ गया है। बढ़ावा देने वाली योजनाओं को आजमा कर देखें और पता करें कि आपकी टीम के लिए कौन सी योजना सही है। आपके व्यापार में आश्चर्यजनक तरक्की के संकेत हैं। अगर आप व्यापार में हैं, तो आपको अपनी गतिविधियां और बढ़ानी पड़ेंगी। हालांकि आपकी मौजूदा बिक्री अच्छे फायदे दे रही है, लेकिन नए ग्राहक बनने के कारण आपको अपना उत्पादन और अधिक करना होगा। काम बहुत आ रहा है, इसलिए समझदारी से उनका चुनाव करें, आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके परिवार वालों की सेहत को लेकर आज आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चिंता की कोई बात नहीं है, नॉर्मल चेकअप के लिए जरूर ले जाएं। आज के दिन दोपहर 3:20 से 4:20 का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस समय पर आप अपने इंपॉर्टेंट कार्य कर सकते हैं। गुलाबी रंग आज आपके लिए लकी रहेगा। शुक्रिया। अब बारी है मकर राशि की। तो मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, शनि आपकी राशि का स्वामी है, इसके प्रभाव से आप मेहनती हो सकते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण कर्तव्य और जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं। आप कठिन समय में अच्छा काम कर सकते हैं। घर के आसपास अच्छा माहौल रहेगा, सामाजिक मेलजोल बढ़ सकता है। काम के सिलसिले में आज का दिन काफी व्यस्त रहेगा, इसलिए पीछे हटने से बचने के लिए ध्यान केंद्रित करें।
प्यार की दुनिया में आज आप संभल के आगे बढ़ें, क्योंकि आज कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है। अगर पिछले दिनों आपको किसी ने धोखा दिया है तो आप अब उनके बारे में दोबारा सोचें। गंभीरतापूर्वक सोचें कि ये व्यक्ति जो प्रस्ताव कर रहा है क्या क्षणिक उपलब्धि के लिए अपने को जैसा बता रहा है, क्या ये वैसा है। आज आप स्वयं रचनात्मक रहें। करियर के मामले में आज आप शायद हैरान हो जाएं कि जबकि आपको अपने किसी दोस्त या जानकार से ऐसी किसी नौकरी का अवसर मिले जो आपके लिए बिल्कुल सही है, ये अवसर के बारे में पूरी जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि ये लोग दिल से आपका भला चाहते हैं। अगर आप व्यापार में हैं तो पाएंगे कि इन दिनों आपके माल की बिक्री का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है और आज भी ऐसा ही होगा। अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखिए, आपको लाभ होगा। आपके इस प्रदर्शन से आपके बड़े अधिकारी भी आपके कायल हो रहे हैं। आज आपके परिजन छोटी छोटी बीमारी से परेशान हो सकते हैं, उन्हें ज्यादा तापमान या ठंडे पेय और ज्यादा मिठाइयों से दूर रखें। आज के दिन आपका शुभ समय दोपहर 3 से 4 का रहेगा। शुभ रंग हल्का शेड ग्रे कलर का आपके लिए आज लकी रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ राशि की, तो प्रिय कुंभ राशि के जातक, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपके साथ कुछ मस्ती मजाक हो सकता है। आज अपने पहनावे और बर्ताव के बारे में अपने आसपास के लोगों से बात करें, नहीं तो आप खुद को शर्मिंदगी का शिकार बना सकते हैं। अपने काम को ठीक तरीके से करें, अफवाहों को सुनकर कोई भी डिसीजन लेने से बचें। लव लाइफ के मामले में आज आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो वस्तुतः आपसे छल कर रहा है, इससे बचें। इसका रिश्ता पहले से ही कहीं किसी और से था जो आपको इसने बताया नहीं है, या कोई ना कोई बात जो है वो छुपा रहा है, इसलिए कोई भी जल्दबाजी ना करें। करियर के मामले में आप यदि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं तो आज का दिन आपके लिए ही बना है। आपको किसी बड़ी कंपनी से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है, ये प्रस्ताव अच्छे आर्थिक सुधारों के साथ आपको मिलेगा। हाल के दिनों में आप जहां भी हाथ डाल रहे हैं फायदा ही फायदा हो रहा है, यही सोचकर आप इन दिनों निवेश के मामले में कुछ बड़े जोखिम उठाने को तैयार हैं। हालांकि आप अब तक पारंपरिक तरीके से निवेश कर रहे थे और खर्च भी सोच समझ कर ही कर रहे थे, लेकिन अब आप बड़े जोखिम उठाने की स्थिति में हैं। फिर भी झटपट पैसा कमाने का रास्ता मत चुनिए, निवेश के लिए कई विकल्प अच्छे आप चुन सकते हैं। बात की जाए अगर आपकी हेल्थ की, तो आज के दिन आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करिए और बाहर खुली हवा में सांस लेने के लिए जरूर टहलने चाहिए। दोपहर 2 से 3 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। सिल्वर ग्रे कलर आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। और अब आती है बारी मीन राशि की। प्रिय मीन राशि के जातक, जैसा कि चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है, आप अपने आसपास के लोगों द्वारा निराश महसूस कर सकते हैं। हालांकि आप राशि चक्र पर किसी भी अन्य चिन्ह की तुलना में मिजाज के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, इसलिए आशा ना छोड़ें। ये समय की कमी या दूसरों की अपेक्षाओं के कारण हो सकता है। आज एस्ट्रो योगी ज्योतिषी आपको व्यवहारिक और दूसरों के दोषों को क्षमा करने की सलाह देते हैं। लव लाइफ के मामले में आज आपको केयरफुल रहना चाहिए, ज्यादा हड़बड़ी किसी भी चीज में ना करें। कार्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कार्य क्षेत्र में आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अपने उच्च अधिकारियों के साथ आप अपने रिलेशंस अच्छे बना पाएंगे, जो कि आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगा। आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो आज का दिन आर्थिक स्थिति के मामले में बहुत अच्छा है। कुछ अच्छे निवेश के ऑप्शंस आप आज चुन सकते हैं। हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ के मामले में आज आपको अपनी फैमिली के साथ एक रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए। अपने दांतों का चेकअप भी करवाना चाहिए, रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए आपको आज जाना चाहिए। कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बीमारी होगी तो वो पहले ही पकड़ में आ जाएगी। आज के दिन आपका शुभ समय 2 बजे से 3 बजे तक का रहेगा। शुभ रंग हरा रहेगा। धन्यवाद। ये राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर, आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। तो आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं।
तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोयोगी ऐप या लॉग इन करें astroyogi.com पर। आपका दिन मंगलमय रहे इसी कामना के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।